नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल प्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। मध्य प्रदेश के डिंडोरी से अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ लामबंद हुई ग्रामीण महिलाएं, प्रशासन को लिखा पत्र। डिंडोरी जिले के शहपुरा थाना अंतर्गत करौंदी गांव की महिलाओं ने अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें कि गांव में अंधाधुंध अवैध रूप से पक्की और कच्ची शराब बेचने का कारोबार लंबे समय से किया जा रहा है। गांव के कुछ घरों में तो धड़ल्ले से कच्ची शराब बनाकर व्यापार भी किया जा रहा है, जिससे गांव के लोग शराब पीकर मौत के मुंह में समा रहे हैं और वातावरण गंदा हो रहा। गांव की महिलाओं ने शराब बेचने वालों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिम्मेदार जिला प्रशासन को पत्र लिखकर अवगत कराया कि गांव में शराब के चलते उनके पति रोज शराब पीकर घर आते हैं और मोहल्ले में गाली गलौज, मारपीट, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, जिससे महिलाएं, उनके बच्चे त्रस्त है। प्रशासन जल्द अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ ठोस कार्यवाही करे, जिससे गांव में अच्छा वातावरण और शांति रहे। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए डिंडोरी से रघुनंदन चक्रवर्ती की रिपोर्ट। हमारे गांव में शराब बनती है, शराब बंद होना चाहिए। क्या परेशानी है? हमारे घर के आदमी आते हैं, गाड़ी गलौज देते हैं, मारपीट करते हैं, घर में पैसे दाम नहीं होता, भीख कर ले जाते हैं और बच्चों को मारते हैं, हमको आकर गाड़ी गलौज करके मारपीट करके और भाग जाते हैं, फिर पीते हैं दारू। सर, हमारे गांव में शराब बन रही है बहुत ज्यादा और पी पी के हमारे आदमी बर्बाद हैं, आके मारते पीटते हैं, गाड़ी गलौज देते हैं, शराब पीते हैं, बहुत हल्ला मचाते हैं लोग। कौन पीने वाले मचाते हैं? और क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ शराब बंद हो जाना चाहिए, करौंदी में दोनों, पक्की भी और कच्ची भी।